मेरे कपड़े हो गए प्रेस जॉब को दिए थे? हाँ जी भैया हो गए, एक मिनट, ये लीजिए आपके कपड़े। ओके। और भैया एक मिनट, ये आपकी शर्ट में से ना 50 रुपए मिले थे। ओ हाँ, शायद मैं भूल गया होऊंगा, शुक्रिया। वैसे कितने हुए इनके? इन सब के हो गए 80 रुपए। 80? हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप ये रखिए 50 और बाकी के 30 रुपए ये रहे। अरे अरे आराम से भाई, अभी इस्त्री हुए कपड़े, ढूंढ क्या रहा है तू? अरे यार मेरी जीन्स थी इनमें, और अभी मुझे याद आया कि उसमें 10,000 रुपए रखे हुए थे। 10,000 रुपए? भाई तुझे पक्का याद है ना कि वो जीन्स इन्हीं कपड़ों में थी, क्योंकि उसने मुझे यही कपड़े दिए हैं बस। अरे हाँ यार मुझे अच्छे से याद है, मैंने प्रेस करने के लिए दी थी। मुझे लग रहा है ना उसे जीन्स पे पैसे मिल गए होंगे, इसी वजह से ना उसने जीन्स भी वापस तक नहीं करी। नहीं नहीं यार तू कैसी बात कर रहा है, वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी के पैसे रख ले, वो तो अच्छी लड़की है। कुछ भी बोल रहा है यार तू, और तुझे कैसे पता वो अच्छी है? वैसे भी ना पैसे देख के सबकी अच्छाइयाँ निकल जाती है। अरे जब उसने ये कपड़े मुझे वापस किए ना, तो मेरे पैसे भी साइड में रह गए थे 50 रुपए, तो उसने वापस कर दिए। लड़की मतलब ईमानदार है ना, तो अगर तेरे पैसे भी उसको जीन्स से मिलते तो वापस कर देती। भाई तेरे ना सिर्फ 50 रुपए की बात है, और यहाँ पूरे 10,000 की। मुझे लग रहा है ना पैसे देख के उसकी नीयत बदल गई होगी, और इसी वजह से उसने जीन्स भी वापस नहीं करी। अरे तू फिक्र मत कर, क्या पता वो जीन्स वापस करना भूल गई हो, शाम तक दे देगी वापस। देख भाई मैं ना शाम तक का वेट नहीं कर सकता, क्या पता वो पैसे लेके भाग जाए। एक काम कर रहे हैं, चल रहे हैं वहीं। अरे पर अभी ठीक है, चल जल्दी चल। हाँ तो फिक्र मत कर यार, वो अच्छी लड़की है, पैसे कर देगी वापस। देख कहाँ है तेरी वो अच्छी लड़की? अबे यहीं थी यार, वो काम कर रही थी कुछ देर पहले, कहाँ चली गई? अबे वो कहीं गई नहीं है, भाग गई वो यहाँ से, 50 रुपए देकर पूरा 10,000 का चूना लगा गई। ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं, इनको जहाँ भी हराम के पैसे मिलते हैं ना, इनकी ना नीयत ही खराब हो जाती है। यार मुझे लगा था कि वो लड़की ईमानदार है, पर तूने सही कहा था यार, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं, इन पे ट्रस्ट करना बेकार है। कुछ पैसे वापस करके मेरा ट्रस्ट जीता, उसके बाद गायब हो गए पैसे लेके, ये सही नहीं किया इसने। पर भाई अब क्या करें? करना क्या है, छोड़ूंगा तो मैं उसको वैसे भी नहीं, अभी चलते हैं घर, बाकी मैं करता हूँ कंप्लेन बाद में सोसाइटी वालों से। हाँ सही बोल रहा तू, यही करना पड़ेगा, चल। अरे भैया आप यहाँ, मैं कब से आपके घर की बैल मारी जा रही हूँ। ये आपकी जीन्स रह गई थी, वो मेरे दिमाग से निकल गया था आपको देना है, वो क्या है कि मेरे घर पे रखी हुई थी, मैं आपको देना ही भूल गई। हाँ हम भी यही जीन्स के लिए आपकी दुकान पर आए थे, पर वहाँ पे कोई था नहीं और दुकान भी बंद थी आपकी, तो। अच्छा वो भैया इसलिए क्योंकि आज हम गांव जा रहे हैं और दुकान का सारा काम भी हो चुका था, इसलिए हमने दुकान बंद कर दी थी। वो हम तो बस ये जीन्स देने के लिए आ गए थे, क्योंकि इसमें आपके थोड़े पैसे रखे हुए थे, तो हमें लगा आपको जरूरत होगी, तो इसलिए हम बस जीन्स देने के लिए आ गए थे। हमने पैसे इसी में रख दिए हैं, आप चेक कर लीजिए अपने पैसे। रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए? क्यों भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो क्या है ना, आपने उन सब कपड़ों में ये जीन्स लौटाई नहीं थी, और मुझे लगा आपको इस जीन्स में जो पैसे मिले उससे आपकी नीयत खराब हो गई और आप पैसे लेके भाग गई। अरे नहीं नहीं भैया, भला मैं क्यों आपके पैसे लूंगी, और अगर इस तरह मैं आपके पैसे लूंगी तो उसे तो चोरी कहेंगे ना, और मैं चोर नहीं हूँ। माना कि मैं गरीब हूँ, छोटा काम करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी जैसा काम करती हूँ या मेरा कोई ईमान छोटा है। और हमें तो बचपन से सिर्फ इतना ही सिखाया है कि ईमानदारी से काम करो और मेहनत की रोटी खाओ। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, गलती हमारी थी कि हमने आपको गलत समझ लिया, आपको चोर समझ लिया। और इंसान छोटा है बड़ा अपनी सोच से होता है, अपने काम से नहीं, और सोच तो हमारी खराब थी, तो इसलिए प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, हो जाता है जी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ।
जी। Thank you.